नमस्कार विराट एंट्री फोन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवां से आ रही है, जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगेव विकास तिवारी द्वारा अनिश्चितकालीन विद्युत मंडल में धरना दिया जा रहा है। मांग है कि मनगवां विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के विद्युत समस्या के मनगवां विधानसभा के अंतर्गत 200 की संख्या से अधिक ट्रांसफार्मर जले हैं, जिन्हें 7 दिवस के अंदर बदला जाए। लिखित आश्वासन की मांग की जा रही है। पूरे विधानसभा के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में जली हुई केवल बदली जाए। किसानों के बढ़े हुए बिजली के बिलों का कम किया जाए। जो ट्रांसफार्मर लगाए हैं उनमें कनेक्शन की बढ़ोतरी होने के कारण ट्रांसफार्मरों के लोड बढ़ गए हैं, उन ट्रांसफार्मरों को चिन्हित कर तत्काल बदला जाए। विद्युत विभाग सभी ग्राम पंचायत के विद्युत कार्यों हेतु विद्युत सुधार हेतु कर्मचारी नियुक्त किया जाए। विद्युत विभाग में मनगवां बैकुंठपुर लालगांव गढ़कटरा बस स्टेशनों कनिष्ठ अभियंता को विद्युत विभाग हेतु सही तरीके से मॉनिटरिंग कराया जाए एवं उक्त क्षेत्र की विद्युत शिकायत के निराकरण 24 घंटे के अंदर किया जाए। बिजली विभाग की तानाशाही, बिजली विभाग की तानाशाही, विकास तिवारी जिंदाबाद, विकास तिवारी जिंदाबाद, दिलीप द्विवेदी जिंदाबाद, गगेव जनपद जिंदाबाद। बिजली विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, बिजली विभाग की तानाशाही। बगल पंचायत में हमारे गांव में एक सुनबर्षा गांव है, उसका भी अभी ट्रांसफार्मर चिरदी से जल गया था, उसका भी बदला नहीं गया है। बगल पंचायत चिकुरी 37 में तिरछत केवी के अलावा लगभग 5-6 महीने से उसका ट्रांस नहीं बदला गया है। जो धान की खेती हुई सब चौपट हो गया है। अभी गेहूं की फसल है, सब किसान सब बैठे हुए हैं गाँव के, उन लोग बेचारे देख रहे हैं कि हमें पलेवा मिल जाएगा, ट्रांसफार्मर मिल जाए। उसी आशा के साथ सब आए हुए हैं कि हमें ट्रांसफार्मर शायद आज मिल जाए।